हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नॉलेज में। कुछ दिन पहले हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें वीडियो के आखिर में माउंट एवरेस्ट की चोटी से क्या दिखता है वो दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। इसलिए हमने उस विषय पे दोबारा वीडियो बनाई है जिसमें आपको टू द पॉइंट ये बताने की कोशिश करेंगे कि माउंट एवरेस्ट की चोटी से क्या दिखाई देता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और जो नेपाल में स्थित है। 7,000 मीटर तक माउंट एवरेस्ट को चढ़ लेने के बाद बहुत ही खतरनाक पड़ाव आता है जिसे डेथ जोन कहा जाता है। इस पर्वत को चढ़ने और उतरने के दौरान सबसे ज्यादा मौतें इसी डेथ जोन में हुई है। हम अगर इससे भी आगे जाएं तो हमें कुछ खतरनाक खाइयां और बेहद कठिन रास्तों को पार करने के बाद दूर ऊंचाई पर एक चोटी दिखाई देगी और यही है माउंट एवरेस्ट का आखिरी पड़ाव। आखिर में एक सीधी ढलान वाला रास्ता पार करने के बाद हम माउंट एवरेस्ट के अल्टीमेट शिखर तक पहुंचेंगे। असल में माउंट एवरेस्ट का ये शिखर और पूरा पहाड़ दो देशों में बटा हुआ है। इसका दक्षिणी भाग नेपाल में पड़ता है और ज्यादातर हिस्सा नेपाल के अंतर्गत ही आता है और इसका उत्तर हिस्सा चीन के तिब्बत प्रदेश में पड़ता है। एवरेस्ट के टॉप पे चढ़ने के बाद अगर मौसम साफ है तो आपको दूर दूर के कई बड़े पहाड़ दिखाई देंगे। साफ मौसम में हम आराम से इस जगह से 400 से 500 किलोमीटर दूर तक के पहाड़ देख सकते हैं। आपको यहां से आमा डबलम नाम का पहाड़ दिखाई देगा जो नेपाल में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 6,812 मीटर है। इस जगह से आपको भारत के बॉर्डर तक के सीमाई पहाड़ भी दिख सकते हैं। आपको यहां से चेंगसे नाम का पहाड़ भी दिखाई देगा जिसकी ऊंचाई 7,543 मीटर है और वो चाइना में स्थित है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मौसम बहुत साफ है तो आपको दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पर्वत कांचनजंगा भी दिख सकता है। लेकिन ये सारे पहाड़ और उसकी सारी चोटियां माउंट एवरेस्ट के सामने बहुत ही बौने मालूम होते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी से अगर आप कोई इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हो तो वो है पृथ्वी की वक्रता। जी हाँ, आप माउंट एवरेस्ट की चोटी से धरती की वक्रता या उसका घुमाव भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर वहां पे टेलीस्कोप लेके गए हैं तो आपको वहां से 900 से 1000 किलोमीटर दूर तक का दृश्य दिखाई दे सकता है। और अगर मौसम इतना साफ नहीं है तो दूर दूर तक कोई खाइयां तो नहीं दिखाई दे सकती, लेकिन बादलों के बीच कई सारे बड़े माउंटेन के शिखर दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रहे कि माउंट एवरेस्ट का असली स्थानिक नाम सागर मथा है और इस पहाड़ की हिस्ट्री के बारे में हमने दो वीडियो बनाए हैं जिसे आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो आपके अपने चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।